हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो आपको बना के शेयर करने जा रहे हैं, वो कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, वो मानसून से रिलेटेड है। क्योंकि बारिश आ गई है तो पौधे भी खुश हो गए और हम लोग भी खुश हो गए। तो काफ़ी दिनों से हम लोग को इंतज़ार था इस बारिश का, और बारिश तो उसके पहले भी हो चुकी है एक दो बार, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं हुई है जो हम लोग उम्मीद करके बैठे थे। तो आज की जो रात की बारिश थी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है क्योंकि मेरा जो है एक प्लांटर जो है वो छत की इस पर रेलिंग पर रखा हुआ था और वो टूट के कई पार्ट्स में जो है गिर के टूट गया और कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो उसमें अब फिर से हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को एक वीडियो बना के शेयर करूं। वैसे भी अब बारिश आ गई है तो हम गार्डनर्स तो बारिश का ही वेट करते रहते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी थी जून और मई की। तो मई जून की गर्मियों के बाद हम लोग को इंतज़ार रहता है कि बस बारिश आए और हमारे सारे जो पौधे हैं वो ग्रीन नेट से बाहर आएँ और वो बारिश का मज़ा ले सकें। तो बस अब वो आ गया है समय, और हम लोग ने अपने सारे जो है निकाल के सारे पौधे क्या किए ना, ग्रीन नेट से निकाल के बाहर लगाए और जहाँ की बारिश का पानी प्रॉपर उसे मिल सके। लेकिन दुख की बात यह है, यही मुझे आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि मेरा एक पॉट जो है रेलिंग से नीचे गिर गया। शायद बंदर या बिल्ली वगैरह ने गिरा दिया होगा। तो ये मैंने शाम को ही सारा शिफ्ट किया, और सुबह की बात है जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि मेरे जो है उस पर मेन डोर पर वो गेट पर गिरा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने उसकी पिक ली और आप लोगों के साथ ही वीडियो बना कर शेयर किया। और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि बहुत जल्दबाजी में ऐसे मतलब रेलिंग पे जो बहुत पतली सी जगह हो या ऐसे मत रखिए, क्योंकि पॉट टूट जाता है और उसके पौधे जब उखड़ के नीचे गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत होती है आपकी। और पॉट टूटने का तो खैर पॉट दोबारा आ जाता है, लेकिन जब पौधे हमारे गिर के टूट जाते हैं और हम फिर से उसे रिपोर्ट करते हैं, वो तो अच्छी बात है कि ये जो प्लांटर है वो हमारा बारिश के टाइम गिरा, तो इसके पौधे जो है रात भर हो सकता है, अगर गर्मी होती तो ना बचता, वो पूरी उसकी जड़ें वगैरह सूख गई होती गर्मी से। लेकिन ये बहुत अच्छा और मेरे लिए बहुत ही शुभकार्य अच्छा रहा कि कम से कम ये जो है बारिश के टाइम गिरा। तो पॉट टूटा, पॉट तो फिर से आ जाएगा, उसको हम परचेज़ कर लेंगे, लेकिन बारिश जो है बारिश कम से कम अच्छे से है। तो बारिश की वजह से हम जब अपना पॉट दूसरा लाएंगे और रिपोर्ट करेंगे तो पौधा हमारा सलामत रहेगा। तो ये हमारा देखिए, और उसके पता है आपको एक रेड पॉट टूटा और एक पता नहीं क्या जैसे नज़र से लग गई हमारे पौधों में, और एक दूसरा पॉट फिर मुझे दिखा। ये दो पॉट मेरे टूटे थे, मुझे लगा एक ही पॉट टूटा है, तो मैंने सोचा एक कब वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मैंने देखा ये भी मेरा टूटा हुआ था। मैं भी हो सकता है बिल्ली या बंदर वगैरह आए हों तो उन्होंने गिरा दिया हो, क्योंकि हवा से उसका तो थोड़ा सा उम्मीद थी रेड वाले पॉट की हवा से टूट जाएगा, लेकिन ये जो है ये सीमेंट का है और ये वाइट सीमेंट जो होती है पुट्टी ना, वॉल पुट्टी उसका है ये तो हवा से नहीं गिरने वाला था। तो कंफर्म हो गया कि ये जो है किसी ने गिराया नहीं है, ये बिल्ली वगैरह आई होगी उसी से लग के गिर गया है। तो ये जो पॉट है इसका एक हिस्ट्री है। ये एक्चुअली जब मेरा घर 2 साल पहले बन रहा था, आप लोग को पता है कोरोना टाइम में उधर से, तो मैं खाली बैठी थी तो मुझे ऐसे एक आइडिया आया, जो वॉल पुट्टी बची थी उसी का मैंने ये वॉल पुट्टी को गीला किया था और सॉक्स निभारा, और सॉक्स को मैंने ना ऐसे मुट्ठी से ऐसे करके ऐसे दबा दिया, ये जो मुट्ठी बनी थी इससे ये इसका ये गहरा पार्ट बन गया और इसी में मैंने प्लांट लगा दिया। अच्छा, मैंने बस ऐसे ही बनाते बनाते मुझसे बन गया, मैंने कोई इसका पहले से आइडिया नहीं ले रखा था, तो मैंने इसमें ड्रेनेज नहीं बनाया था, मैंने इसको पॉट सोच के नहीं बनाया था, मैंने इसको कुछ और ही सोच के बनाया था। लेकिन इत्तेफाक से ये पॉट सा लगा मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसमें क्या किया, क्योंकि इसमें ड्रेनेज भी नहीं था तो और कोई प्लांट तो चल ही नहीं सकता था इसमें, तो इसमें मैंने सोचा कि जेट प्लांट क्यों ना लगा दूँ। फिर मैंने इसमें जेट प्लांट लगाया और वो मेरा लगभग अभी तो सोचिए 2 साल हो गए इस पॉट को मैं बनाई थी और उसमें जेट प्लांट लगाया था, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अगर आपके पास ड्रेनेज होल ना हो। तो मैंने इसमें ड्रेनेज होल ना होने के कारण थोड़ा सा मैं एक छोटा सा मेरे पास कप था, मैं उसी से डालती थी आधा कप पानी बस, और बहुत अच्छे से पूरे दिन वो चल जाता था, ना ही ज़्यादा होता था ना कम। और इसका एक लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने अभी कप में इसको रख लिया, ये है जेट प्लांट और एक लिली का प्लांट मैंने इसको बनाया था, ये देखिए
कितने अच्छे से देख रहे हैं इसकी जड़ें और कितने अच्छे से चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी है भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, तो ऐसे ही इसमें रखा हुआ था और बहुत सुंदर लगता था। मैंने आपको इसकी पहली वीडियोस में इसको शेयर कर रखा है, लेकिन अब तो ये पूरा मतलब हाफ़ हो गया, तो अब तो मुझे इसे कहीं रिपोर्ट करना ही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कप जिसमें मैं डाई वगैरह लगाती हूँ, तो ये कप हो गया टूटा, टूट तो नहीं गया लेकिन है सही थोड़ा सा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ब्रेक हो गया है ना। तो ये वाइट है जो कि मेरे प्लांटर से मैच कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें लगा दूँ। फिर कभी दिमाग में आ रहा है कि मैं इसमें लगा देती हूँ ब्लैक में, क्योंकि मेरे पास और ऑलरेडी ब्लैक में ही जो है जेड प्लांट लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैचिंग का हो जाएगा थोड़ा सा। फिर मुझे ये पॉट दिखा तो सबसे प्यारा मुझे यही पॉट लगा, मैंने यही सेलेक्ट किया है फाइनली कि मैं इसी में जो है अपने जड़ प्लांट को फिर से रिपोर्ट करूँगी। और हाँ, मैंने वीडियो इसलिए भी शेयर किया है कि बारिश का मौसम मानसून आ गया है, तो आप लोग जल्दी से अपने पौधों को ग्रीन नेट से निकाल के बाहर रखिए और वो लोग ये भी इंजॉय करें फुल, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और उन्हें जिसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत हो रिपोर्ट कीजिए, और ड्रेनेज होल अगर अच्छे से ना हो तो प्लीज़ जिसका भी मतलब जड़ वगैरह बहुत ज़्यादा बन गई है तो उस पौधों को आप एक बार से जो है रिपोर्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ड्रेनेज अच्छे से रहेगा तो जो बारिश का पानी है वो रुकेगा नहीं और आपके पौधे की जड़ें जो है वो जड़ों को नुकसान नहीं होगा, सड़ेंगे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सारे रिपोर्टिंग वाले अगर आपको ज़रूरत है आपके पौधों में गमलों में, तो आप रिपोर्ट कर दीजिए इस समय, क्योंकि बारिश आ रही है, सारे पौधे लग जाएंगे, कोई भी नहीं मरेंगे। तो बस एक ये भी आपको हमें जो है एक नॉलेज देनी थी, और प्लस अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ, इसको रिपोर्ट कर दूँ, वरना ज़्यादा बातें करती रहूँगी तो इसकी जड़ें सूख जाएंगी और ये फिर नहीं लगेगा। वैसे ऐसे सूखेगा नहीं, ये देखिए आपको लिली की जड़ें दिख रही होंगी, जो ये मोटी सी वाइट सी जड़ है ना, ये लिली की जड़ है। एक लिली मैंने लगाई थी, मैं सोचा था इसे फ्लावर खिलेगा बहुत सुंदर लगेगा, तो एक दो बार खिला भी था, मैंने आपको शो किया है पहले वीडियो बना कर शेयर किए। और ये तो जेड प्लांट है, तो मैं सोच रही थी इसको मैं लगाऊँ कहाँ पर, तो बस अब मैं सोच रही थी इसे कप में ही लगा देती हूँ। अच्छा, कप में मैं ये थोड़े से देखिए ये डाल रही हूँ, ये इसलिए डाल रही हूँ ना कप में, क्योंकि जैसे कप में अगर पानी ज़्यादा हो भी जाए ना, तो इसके वजह से जो है थोड़ा सा जड़े जो है छुएंगे नहीं, जड़े अगर कप में छुएंगे नहीं तो हमारी जड़े जो है सही रहेंगी। और इस कप में जो कि वाइट कप है सुंदर लग रहा है, तो मैंने सोचा, पहले सोचा था इसमें, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पौधा है नहीं, ये छोटा सा पौधा है, तो एक कप में ही अच्छा रहेगा। इसको हटा देते हैं, ये देखिए मैंने पहले इसमें थोड़े से ऐसे ही डाल दिया है, और उसके आप इसमें जो है कंकड़ वगैरह भी डाल सकते हैं, और इसकी जड़ों को ज़्यादा मैं जो है ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं, बस यूं ही ऐसे डाल के। ये देखिए ऐसे डाल के बस मिट्टी डालनी है बस मुझे। ये इधर नहीं अच्छा लग रहा, मैं एक बार इसको ज़रा राउंड करती हूँ। अब जो है फाइनली मैंने इसमें सारी मिट्टी लगा दी है, डाल दी है। और हाँ, एक जेड प्लांट पे आपको ये चीज़ ऐसे रखनी है, ध्यान रखना है कि जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा आप जो है हाफ नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो पानी रुकेगा और उसकी जड़ बहुत छोटी छोटी सी होती है तो वो गल जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस भी पॉट में लगाएं पानी बहुत कम रुके उसमें। अच्छा, इसमें ड्रेनेज भी नहीं है ना, हल्का सा बस केवल जो है क्रैक है, तो इसलिए मैंने इसमें एकदम पानी रुकने की जगह छोड़ी नहीं, देखिए ऊपर तक एकदम मिट्टी बंद कर दी, भर दिए। अब हम इसमें जो है अगर आपका पॉट देखिए ऐसा गीला हो, ठीक है, अगर आप गीले में लगा रहे हो
तो पानी मत डालिएगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसे हमारे तरह सूखी मिट्टी ली है तब हल्का सा पानी उसमें डाल दीजिएगा। और अभी तो सेमी सीड एरिया में रखिए, और चूंकि बारिश है वैसे तो एक हफ्ते तक आप सेमी सीड एरिया में रखिए जब तक इसकी जड़ें सेट ना हो जाएं, लेकिन अब बारिश का मौसम है इसलिए हम बस केवल एक दो दिन रखेंगे, उसके बाद इसको बाहर धूप में निकाल लेंगे और ये हमारा जेट प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए, और पता नहीं मेरा भी जो है वीडियो वायरल होगा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैं 1000 से ज़्यादा वीडियो डाल चुकी हूँ और बस लोग क्लिक करते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो वॉच कीजिए, जिससे मेरा वॉच टाइम मिल सके और चैनल भी मेरा मोनो हो सके। और वायरल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मुझे नहीं लगता वायरल होगा, पता नहीं वायरल होगा कि नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर वायरल होगा, क्योंकि मेरा 1000 ज़्यादा वीडियो और एक भी वीडियो वायरल हुई ही नहीं है वायरल। तो कोशिश तो यही है कि अच्छी अच्छी वीडियो आपको दूँ, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है पसंद नहीं आ रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप चाहें तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ ऐसे मत जाइएगा और बिना सब्सक्राइब किए और बिना शेयर किए मत जाइएगा और इसकी भी मत कीजिएगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, पूरा वीडियो आपने देखा होगा उम्मीद है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, चलती हूँ और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।